बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे बेटे, जिसका नाम है हाउ टू लिव टू बी 200। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपके पास, ये स्टीफन लीकॉक का है, जिनका अरसा हयात 1869 टू 1944 है। बेसिकली वो कैनेडियन ह्यूमरिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट थे। ही वॉज अ बेसिकली प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल, और काफ़ी अर्सा उन्होंने टीचिंग्स की है 1908 से 1939 तक। बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटिकल साइंस पे, हिस्ट्री पे, बायोग्राफीज ऑफ चार्ल्स डिकिंस एंड मार्क ट्वेन भी लिखी हैं उन्होंने। लेकिन उनका जो बेस्ट काम है, ये जिसकी वजह से वो ज़्यादातर जाने जाते हैं, वो आपके पास सटायरिकली ह्यूमरस एसेज हैं। यानी इसमें सटायर बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल की है, मजाहिया तंज व मिजाह पे जो के मज़ामीन है वो उनके बहुत मशहूर हैं, और उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और मोस्टली उनके ये मज़ामीन और जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उसके अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है, गे अब्सर्डिटीज़, और साथ में पेनिट्रेटिंग क्रिटिसिज्म। तो ये गे अब्सर्डिटीज़ क्या है, गे मीन केयर फ्री, ठीक है, और अब्सर्डिटीज़ यानी ये उन्होंने अनरीजनेबली केयर फ्री तरीके से और अनरीजनेबली रिडिकुलस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बगैर किसी लगे बंधे अंदाज के। और पेनिट्रेटिंग क्रिटिसिज्म यानी कि क्रिटिसिज्म कहते हैं यहाँ पे तनकीद को, और पेनिट्रेटिंग यानी छुपता हुआ, अंदर तक सराहियत करता हुआ, यानी उनके मज़ामीन आप पढ़ें तो उसमें आपको केयर फ्री, किसी की परवाह नहीं करते, यानी केयर फ्री जो है ना तरीके से वो रिडिक्यूल करते हैं दूसरे को, ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, वो उनका जो अंदाज़ है तनकीद करने का वो बहुत छुपता हुआ, इंसान को अंदर तक फील होती है वो चीज़। और किस चीज़ के ऊपर उन्होंने ये सारी जो है ना अब्सर्डिटीज़ शो की हैं और पेनिट्रेटिंग क्रिटिसिज्म शो किया, आपके पास कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी हम असर यानी मौजूदा जो उनकी उनके दौर की जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है अपनी राइटिंग्स के अंदर। और जो इनका मौजूदा मजमून है, उससे भी आप देखें आइडिया लगा लें कि 200 साल की ज़िंदगी कैसे पाएं, ठीक है, उसके लिए भी ये रिडिकुलस तरीके से एक शख्स का जिक्र करेंगे जो बहुत ज़्यादा जो है ना एफिशिएंटली अपने काम परफॉर्म कर रहा होता है, एक्सरसाइजेस कर रहा होता है, और जुनून की हद तक उसको अपनी सेहत का ख्याल रखने की आदत होती है, लेकिन फिर वो टाइम से पहले उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बल्कि वो बहुत फ़नी तरीके से एक्सप्रेस करता है ऐसे लोगों की जो हैबिट्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी एक्सरसाइज और फ्रेश एयर, और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के मामले में केयरफुल होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, बल्कि उनको जुनून की हद तक जो है ना अपनी सेहत का शौक होता है, तो उन लोगों के बारे में ये बहुत फ़नी वे में उनकी जो आदत हैं, उनकी एक्सरसाइजेज हैं, उनकी हैबिट्स के बारे में उनका मजाक उड़ाते हुए इस चैप्टर में आपको नज़र आएगा। और वो ऐसे लोगों के बारे में कहता है कि इतना ऑब्सेस नहीं होना चाहिए हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके, आपको अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारना चाहिए। तो चलें जी चैप्टर का आगाज़ करते हैं जी, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं बेटे। 20 years ago, I knew a man called Jiggins, who had the health habit. He used to take a cold plunge every morning. He said it opened his pores. After it, he took a hot sponge. He said it closed the pores. He got so that he could open and shut his pores at will. Jiggins used to stand and breathe at an open window for half an hour before dressing. He said it expanded his lungs. He might, of course, have had it done in a shoe store with a boot stretcher, but after all, it cost him nothing this way. And what is half an hour? After he had got his undershirt on, Jiggins used to hitch himself up like a dog in harness and do sando exercises. He did them forwards, backwards, and hind side ups. He could have got a job as dog anywhere. He spent all his time at this kind of thing. In his spare time at the office, he used to lie on his stomach on the floor and see if he could lift himself up with his knuckles. If he could, then he tried some other way until he found one that he could not do. Then he would spend the rest of his lunch hour or his stomach perfectly happy. In the evenings, in his room, he used to lift iron balls, cannonballs, heave dumbbells, and haul himself up to the ceiling with his teeth. You could hear the thumps half a mile. He liked it. He spent half the night slinging himself around his room. He said it made his brain clear. When he got his brain perfectly clear,
ही वेंट टू बेड एंड स्लेप्ट एज सून एज ही वोक ही बिगैन क्लियरिंग इट अगेन डिकिन्स इज डेड ही वॉज ऑफ कोर्स अ पायनियर बट द फैक्ट दैट द डंबेल्ड हिमसेल्फ टू द डेथ एट एन अर्ली एज does not prevent a whole generation of young men from following in his path. They are ridden by the health mania. They make themselves a nuisance. They get up at impossible hours. They go out in silly little suits and run marathon heats before breakfast. They chase around barefoot to get the dew on their feet. They hunt for ozone. They bother about the pepsin. They won't eat meat because it has too much nitrogen. They won't eat fruits because it hasn't any. They prefer albumin and starch and nitrogen to huckleberry pie and donuts. They won't drink water out of a tap. They won't eat sardines out of a can. They won't use oysters out of a pail. They won't drink milk out of a glass. They are afraid of alcohol in any shape. Yes, sir, afraid. Cowards. And after all, their fuss, they presently incur some simple old-fashioned illness and die like anybody else. Now, people of this sort have no chance to attain any great age. They are on the wrong track. Listen, do you want to live to be really old? To enjoy a garden, green, exuberant, boastful old age and make yourself a nuisance to your whole neighborhood with your reminiscences? जी बेटे कुछ अल्फाज के जो मीनिंग्स हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पे. सबसे पहले देख लें प्लांज. प्लांज मीन गोता लगाना, गुसल करने के मानों में यहाँ पे ये इस्तेमाल होगा, ठीक है. और पोर्स जिस्म के मसाम वगैरह होते हैं, ठीक है. और एक्सपैंड मीन फैलाना. और हिच आपके पास इसका मतलब होता है ऊपर चुका देना. हाइंड का मतलब होता है पीछे जी. और नेक्स्ट स्टमक का मतलब तो आपको पता ही है क्या है, मैदा वगैरह, ठीक है, पेट मैदा जो होता है. परफेक्टली मुकम्मल तौर पे यानी हर लिहाज से. आयरन बॉल्स लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें. कैनन बॉल जैसे, कैनन आपको पता है ना, तो आपको कहते हैं बड़े बड़े गोले जो होते हैं जो अक्सर आपने देखा होगा ये जिम्स वगैरह में लोग उठाते भी हैं, साथ में हैंडल बना होता है उनके, उसको कैनन बॉल्स बोलते हैं, एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ऐसे ही डंबल्स जो होते हैं वो भी एक्सरसाइज के लिए, जो वजन औजान होते हैं उठाने का जो होते हैं वो आपके पास डंबल्स कहलाते हैं. हॉल, हॉल का मतलब होता है, या हाउल भी इसको बोलते हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, एक हॉल अप जिस तरह आप बोल रहे होते हैं कि यानी ऊंचा करना किसी चीज़ को, उठाना. आपने देखा ना डंबल्स या कोई भी चीज़ हाथ में पड़ के जो ऊंची करके उठाई जाती है उसको हॉल बोलते हैं, ठीक है जी. क्या हॉल? अच्छा जी. इसके बाद है सीलिंग. सीलिंग का मतलब छत तक, ठीक है. और फिर क्या है थम्स. थम्स मीन धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें. जब इस तरह कोई वजन उठा रहे हो तो आवाज़ें तो आएंगी धड़ाम धड़ाम की. देन स्लिंगिंग. स्लिंगिंग का मतलब है लटकना, ठीक है. तो ये कुछ मीनिंग्स हैं. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटे जी. तो बेटे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और इसके कुछ मीनिंग्स नोट डाउन कर लीजिए. जैसे है पाइनियर, यानी किसी भी चीज़ का आगाज़ करने वाला, बुनियाद रखने वाला, ठीक है. जैसे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था तो वो पाकिस्तान के पाइनियर्स थे, ठीक है जी. जो किसी भी काम की बुनियाद रखते हैं, बुनियाद रखते हैं. डंबल यानी डंबल उठा उठा के, उसको यूं भी कह सकते हैं कि डम यानी बेवकूफ बना बना के खुद को, ठीक है. लेकिन यहाँ पे डंबल हिमसेल्फ टू डेथ, यानी डंबल उठा उठा के उसने अपने आप को मौत तक धकेल दिया था. प्रिवेंट मीन बचाना, रोकना, ठीक है. रिडन बाय सवार हो गया था क्या चीज़. मेनिया. मेनिया मीन पागलपन. हाँ जी. नेक्स्ट न्यूसेंस यानी परेशानी का बायस बनना, ठीक है. परेशानी का बायस. इम्पॉसिबल, नामुमकिन. सिली यानी कि अहमकाना, बेवकूफ़. मैराथन जो दौड़ होती है पैदल, ठीक है. और बेफुट नंगे पाँव, ड्यू शबनम के कतरे वगैरह, ओस वगैरह जो होती है. पेप्सिन जो है ना आपके मैदे में पाया जाने वाला एक तेजाब है जो कि खाने को हज़म करने में हेल्प करता है.
एल्ब्यूमन जो है ना, अंडे की सफ़ेदी के अंदर जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमन है। स्टार्च वगैरह आपको पता है नशास्ते को कहते हैं। हकलबरी एक फल है जो नीले रंग का होता है, गहरे नीले रंग का। और टैप नलका और सार्डीन्स फिश की एक किस्म है, यानी कैन में जो फिश मौजूद होती है उसकी किस्म है। ऑयस्टर जो है ना, ये सीप जिसमें से मोती निकलते हैं, वो सीप उसके अंदर जो नरम सा जानवर होता है वो भी लोग खाते हैं, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। कावर्ड्स यानी कि बुजदिल। फस यानी कि मुसीबत आप कह सकते हैं जी। इसके बाद है यहाँ पर आपके पास इनकर, बीमारी का लगना। ओल्ड फैशन इलनेस यानी कि पुरानी आम सी बीमारी। सॉर्ट किस्म, अटेन हासिल करना। एग्जूबरेंट जो होता है आपके पास, इसका मतलब है पुरजोश यानी जोश और वलवले से भरा हुआ। एंड बूस्टफुल का मतलब यही है, काबिले फ़खर यानी कि बहुत ज़्यादा सराहने के काबिल हो जो एज। रीजंस वही मुसीबत और रेमिनिसेंस यानी कि यादें, ठीक है, जो रिकलेक्शन ऑफ पास्ट मेमोरीज या एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो बेटे आप इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि अभी तक चैप्टर में हमें जो है स्टीफन लीकॉक क्या कहता है।